तो और गाइस कैसे हो आप। और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल फोन के बारे में। सैमसंग की तरफ से लॉन्च हुआ है एक स्पेशल फोन है, और गाइस ये फोन है सैमसंग का जी फ्लिप 3। और गाइस आप लोग देख सकते हो स्पेशल क्यों है। गाइस बहुत छोटा कॉम्पैक्ट साइज बनाया कंपनी ने, और स्पेशल बात है ये गाइस इसकी, यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हो तो ये बड़ा भी होता है, यानी कि ये फोन जो है आपका वो फ्लिप हो जाता है। और गाइस स्पेशल बात एक और है कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इस कलर का इसका रिव्यू नहीं किया, बट गाइस आप लोगों का भाई स्पेशल कलर आप लोगों के लिए लेके आया ये। सो इस बात पे यार एक लाइक तो बनता ही है। और गाइस अगर आप लोगों ने हमारी अभी तक सैमसंग के जी फोल्ड 3 की वीडियो चेकआउट नहीं की तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। बट गाइस उससे पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज गिव अवे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियोज के इस टाइप के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे जैसे हम उसे अपलोड करें। सो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज निशान, यू आर वॉचिंग टिकटक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज यहाँ पे जो है सैमसंग का Z Flip 3 फोन है यार, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव डिजाइन के साथ है। लास्ट जनरेशन का जो डिजाइन था, मतलब वो कहता मैं इसके आगे कुछ नहीं था यार। आपको यहाँ पे ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है, वो भी डिफरेंट टाइप से। और उसके बाद सबसे बड़ी बात पता है क्या यार गाइज, यहाँ पे इन्होंने जो है बैक साइड में जो इसके जब इसको क्लोज कर लेते हो आप, तो यहाँ पे जो स्क्रीन आती है आप लोग देख सकते हो, छोटी सी जो स्क्रीन आपको मिल रही है यहाँ पे, ये भी एमोलेड स्क्रीन है गाइज आपको यहाँ पे दी जा रही है। और इसमें काफी तरह से विडगेट्स वगैरह आती है, उनको आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है, मतलब कह सकते हैं ना आप, एक अंदर से फीलिंग आ रही है वाओ यार। तो गाइस वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन की डायमेंशन के बारे में, तो यहां पे आपको 6.9 mm की थिकनेस जो है गाइस देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेट का, तो यहां पे आपको 183 ग्राम का जो वेट इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी कीज की, तो यहां पे आपको राइट हैंड साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ड्यूल माइक मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे एक अलग से माइक आपको दिया गया है, सेकेंडरी माइक जो कि आपका वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए आ जाता है। तो गाइस वहीं अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट बैक दोनों साइड में, जो बाहर की साइड है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाती है, और साइड में आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। IPX8 आपको वहाँ पे यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है। तो गाइस वहीं अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी में आपको यहाँ पे 3300 mAh की बैटरी मिल जाती है नॉन रिमूवेबल। बट गाइस आपको यहाँ पे जो चार्जिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 15 वोल्ट की मिलती है। डिसअपॉइंटिंग ये बात है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, यानी आप 85,000 रुपीज खर्च कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो गाइस वहीं अगर डायमेंशन के बाद बात करते हैं हम इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पे गाइस आपको अगेन फोल्ड 3 के जैसे यहाँ पे भी आपको 2 डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं गाइस। फर्स्ट डिस्प्ले जो गाइस आपकी आती है वो आती है आपकी यहाँ पे छोटी डिस्प्ले, ये आती है आपकी 1.9 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और गाइस वहीं बात करते हैं इसकी सेकंड यानी कि मेन डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.7 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आती है आपके अगेन 2x कलर के साथ। सेकंड आपको मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिलती है। HDR10+ को भी ये सपोर्ट करता है गाइस, तो यानी कि डिस्प्ले आपको यहाँ पे अगेन बहुत बेस्ट मिलने वाली है, यूनिक डिस्प्ले आपको यहाँ मिलने वाली है। और यार सबसे बड़ी बात है एमोलेड जो है वो सैमसंग की अपनी डिस्प्ले है, और सैमसंग अपनी जो फोल्ड सीरीज है इसमें किसी तरह की भी डिस्प्ले की जो है वो कमी नहीं रखता। और यहाँ पे गाइस जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक एमोलेड जो है 2x यूज की गई है, उसकी वजह से जो इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आपको शार्प कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। 1200 नीट्स की आपको यहाँ पे पीक पैटर्न्स देखने को मिल जाती है। 88.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ देखने को मिला है। 374 की इसकी आपको PPI भी देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस वहीं अगर हम डिस्प्ले के बाद बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में अगेन सैमसंग ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया है 888 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, यानी ये आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिंदास मिलने वाली है, जो कि आपका 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 2.84 GHz इसकी मैक्स क्लॉक स्पीड मिल जाती है आपको यहाँ पे। और वहीं बात करते हैं GPU की, तो GPU में आपको यहाँ पे एड्रिनो 660 देखने को मिल जाते हैं, यानी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आपको यहाँ पे लेटेस्ट GPU भी देखने मिलते हैं, यानी आपका जो गेमिंग लेवल का एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पे जाने वाला है गाइस। आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट्स के, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको 8GB 128GB, और जो सेकंड वेरिएंट मिलता है वो आपको मिलता है 8GB 256GB। वहीं अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, तो प्राइसिंग में आपका 8GB 128GB जो आता है आपका वो आता है 8499 की प्राइसिंग में, और सेकंड जो आपका आता है 8GB 256GB वो आता है आपका 8899 की कॉस्टिंग में। और बात करते हैं इस फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग की लेटेस्ट
वन यूआई 3.1.1 मिल जाती है जो कि आपकी बेस है एंड्रॉइड 11 के ऊपर। तो गाइज वहीं परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेक्शन के। तो कैमरा में गाइज आपको यहां पे अगेन सैमसंग ने बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट करा है। आपको यहां पे लास्ट जनरेशन के मुकाबले आपको कैमरे यहां पे बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहां पे आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं, यानी आपको ड्यूल कैमरा यहां पे मिल जाता है इस फोन के अंदर, और जो कि आपके दोनों ही कैमरे हैं वो 12 मेगापिक्सल के हैं। बट अगर आप लोगों ने गाइज देखा होगा कि सैमसंग Z43 की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उस फोन में भी आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिल जाते हैं, बट वहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा था और यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है। ये अगर मेन कैमरे की बात करते हैं तो उसमें आपको 12 मेगापिक्सल में कैमरा मिल जाता है जिसकी एफ वैल्यू 1.8 है, और वो आपका ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी प्लस OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। सेकंड कैमरा जो आपको उसको मिलता है वो मिलता है आपका अल्ट्रा वाइड शॉट कैप्चर करने के लिए, और जिसकी एफ वैल्यू आती है 2.2। और अगर मेन बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे गाइस 10 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जिसकी एफ वैल्यू आती है 2.4। और वहीं अगर हम वीडियो सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको अगेन फ्रंट और बैक दोनों कैमरों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जब हम बात करते हैं बैक कैमरे के, तो बैक कैमरे में आपको यहाँ पे 30 और 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है 4K में। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको ओनली 30 FPS का ऑप्शन मिलता है 4K के अंदर फ्रंट कैमरा के लिए। तो गाइज एट द लास्ट हम बात कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशन के। तो गाइज अगर मैं खुद के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे यार ये जो फोन है दोनों फोल्ड 3 और फ्लिप 3 दोनों ही बहुत बेस्ट फोन है। अगर प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है तो यार आपको वहाँ पे मतलब नियर अबाउट 1.5 लाख रुपये लगाना पड़ता है, देन जाके आपको 888 प्रोसेसर वहाँ पे सैमसंग मिलता है। बट गाइज आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 85,000 में आपको यहाँ पे 888 प्रोसेसर मिल जाता है। अगेन आपको IP68 भी मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट आपको मिलता है वहाँ पे 1.5 मीटर तक। अगेन आपको 888 प्रोसेसर मिल रहा है, आपको GPU अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले आपको डायनेमिक एमोलेड 2X मिल रही है, हर चीज़ आपको लेवल के अकॉर्डिंग ही मिल रही है। तो यार बहुत अच्छा फ़ोन है, आप कंसिडर करना तो कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं सरप्राइज गिवअवे की। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग बात करने वाले हैं एक सरप्राइज गिवअवे के बारे में, तो गाइस सरप्राइज गिवअवे में आप लोगों को मिलने वाला है मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिवअवे। क्या है मैं आपको नहीं बताने वाला, वो होगा आप लोगों के लिए सरप्राइज। तो गाइस अगर हमारी इस वीडियो पे क्रॉस करते हैं कितने करें गाइस आप लोग बताओ, 450 लाइक्स। अगर गाइस हमारी इस वीडियो पे 450 लाइक्स क्रॉस कर जाते हैं देन गाइस आप लोगों को मिलने वाला है मेरी तरफ से एक बहुत प्यारा सा कूल सरप्राइज गिवअवे। वो कुछ भी हो सकता है गाइस, वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितनी जल्दी इस वीडियो के ऊपर 450 लाइक्स कंप्लीट कराते हो एक स्पेसिफिक टाइम में। तो मिलने वाला आप लोगों को एक सरप्राइज गिव अवे। और गाइज इसके लिए सिर्फ आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, सेकंड हमारे Instagram को फॉलो करना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो Instagram पे ही आएंगे। फिर बाद में मुझे कमेंट करके नीचे मत बोलना कि यार आपके गिव अवे के रिजल्ट तो YouTube पे मिलते ही नहीं है, क्योंकि गाइज गिव अवे के रिजल्ट मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आपको Instagram पे ही मिलेंगे, और ग्लिम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वैलिड एंट्री काउंट होगी, इनवैलिड एंट्री काउंट नहीं होगी। तो होप सो गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सैमसंग की Z Flip 3 की वीडियो को। अगर एंजॉय किया तो लाइक कर दो यार, जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना। तो ठीक है गाइज मिलते हैं आप लोगों से अंदर वीडियो में अंदर अनबॉक्सिंग के लिए, तब तक बाय, गुड बाय।